गुजराती समाज का भवन अच्छा है। अब जाएंगे तो एक काम जरूर कीजिए कि आपके बच्चों को वहां गुजराती सीखने के लिए कोई अवसर मिले। हम कहां कहीं पर भी जाए, कितनी ही बड़ी ऊंचाई पर पहुंचे, मातृभाषा से नाता बना रहना चाहिए। उसकी अपनी एक ताकत होती है, उसकी अपनी एक महक होती है, उसमें जीवन जीने की जड़ी बूटी होती है। और इसलिए जब आप गुजराती समाज का भवन बना रहे हैं, तब मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जीवन में इतना जरूर कीजिए कि आप अपनी मातृभाषा से जरा भी अलग न हो, ये प्रयास होते रहना चाहिए, नई पीढ़ियों के लिए होते रहना चाहिए।